स्टूडेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है इस पर मैं यह वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं कि इस समय जब बोर्ड एग्जामिनेशन एग्जैक्ट स्तर पर है डिफरेंट स्टूडेंट कैसा फील करते हैं और स्टूडेंट को कैसा महसूस करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड और आई डोंट नो हाउ टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज। तो इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सिर पर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और ये कोविड वगैरह के चक्कर में बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होने वाले हैं, यह बात समझ लीजिए। मुझे जितनी जानकारियां मिली और जिन जिन ऑफिशियल से बात की और जो जो इस समय देश के माहौल कहते हैं, इसलिए आपको एक रूटीन बना के तैयारी करनी होगी। जो कुछ भी पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। दूसरे स्टूडेंट ने कहा है कि मुझे डर लग रहा है। डर हम सबों को लगता है, मुझे भी कॉपी चेक करने से पहले डर लगता है कि आखिर गलत कॉपी चेक हो जाएगी तो, क्योंकि वहां पर सीवियर पनिशमेंट की व्यवस्था है। पढ़ाते समय भी ऐसी सिचुएशन आते हैं कि गलत पढ़ा दिया तो, इसीलिए डर लगना बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले स्वाभाविक। जब मैं भी स्टूडेंट था तो ऐसे डर आते थे, इसलिए डरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उपाय है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, मैथ के सम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जितना हो सकता है एज फार एज पॉसिबल यू शुड डू समथिंग पॉजिटिवली, और यह पॉजिटिव थिंग आपके स्टडी के रूप में सामने आ सकता है और इससे बेटर कुछ नहीं है और यही आपके लिए सबसे बड़ा चीज है। कौन से ईयर के प्री बोर्ड PYQs आपके लिए बहुत कामगर हो सकते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो बना के बताया था ना कि मैं 2018 से प्री बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखता रहा हूँ और इसको एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे टीचरों से जो एक्सपेरिमेंट किया और उनके एक अनुभव है इनके आधार पर यह बताया है। आपको बता दूं कि 2018, 2019 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बना लीजिए, 2022 के देख लीजिए, क्योंकि 2023 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व कर लेने हैं और ये बहुत ही मददगार होंगे। अब एक स्टूडेंट ने लिखा है कि कुछ नहीं पढ़ाई स्टार्ट किया है और अब बहुत सारे, उसने अपने प्रॉब्लम को लिखा है। तो स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एक थ्योरी है, आप जब से स्टार्ट करते हो तब से हो जाएगा। आप सैंपल पेपर बनाओ, एक अच्छी कंपनी के सैंपल पेपर बनाओ, और मैंने भी पहले कई वीडियो में बता रखा हो कि कहां से सैंपल पेपर बनाने हैं, किस तरह से सैंपल पेपर बनाने हैं, तो आप चॉइस कर सकते हो, मार्केट इज ऑल योर्स, जिस कंपनी के सैंपल पेपर आपको बनाने हैं बना लो। ऑथेंटिक होने चाहिए और स्टूडेंट के लिए उपयोगी होने चाहिए। जहां पर आप एक रिलायबल सैंपल पेपर से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो वो कहीं ज्यादा मददगार होगा, और इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है, लेकिन अब स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता हूं कि आप पर्टिकुलर पब्लिकेशन के सैंपल पेपर को बनाइए, आप जहां से मदद हो ले लीजिए। एक स्टूडेंट बताते हैं कि सर प्रिंसिपल कह रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे फी वगैरह को लेकर, तो देखिए यहाँ पर आप CISE को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको CISE की जो न्यू वेबसाइट है वहां पर जाके कंप्लेन सेक्शन के अंतर्गत कंप्लेन की व्यवस्था रहती है। लेकिन कोई भी स्कूल यह जान लीजिए आपके जो फी है इसके बकाए के कारण एडमिट कार्ड को नहीं रोक सकता है, या अटेंडेंस के कारण आपके एडमिट कार्ड को नहीं रोक सकता, या वो प्री बोर्ड और बोर्ड में बैठने से मना नहीं कर सकता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वो खड़ा कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं करेगा, इन बातों को याद रखना है। अब एक और स्टूडेंट ने कहा है कि सर कुछ बताए कैसे है जो कि सिलेबस कंप्लीट कर नहीं हो रहा है करें और कैसे तैयारी करें। तो देखिए इसको लेकर मैंने कई वीडियो बना चुका हूं और उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। पहले कि आप देखिए कि किन किन चैप्टरों को आपने पढ़ रखा है, यदि नहीं पढ़ रखा और अभी से स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट कीजिए, किस किस ओर देख रहे हैं। दूसरी बात है कि आप सैंपल पेपर को बनाइए, पहले आंसर देख के बनाइए, फिर देखिए कि उस टाइप के क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से आप बना सकते हैं। और उसके बाद मैं एक कहावत है इंग्लिश में सेइंग है, मैं उसको दोहराना चाहूंगा आपके साथ कि सैन फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा है कि स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी देन व्हाट इज पॉसिबल एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। आप पहले बनाना तो शुरू कीजिए, स्टार्ट बाय डूइंग, तो आप कुछ कुछ करना शुरू कीजिए सभी सब्जेक्ट से, इसके बाद
आप देखेंगे कि कुछ कुछ आप कर पा रहे हैं, जहां पर दिक्कत होगी इस चैनल पर भी मैं आपको बहुत सारी मदद करता हूँ, और सारे स्टूडेंट भी बहुत सारी मदद चाहते हैं उनकी करता रहता हूँ, मतलब कि पर्सनली भी, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, और इंस्टाग्राम पर तो हूँ ही। इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे नंबर भी मालूम है, तो उनकी मैं मदद करता रहता हूँ, और मदद मिलती है जब एक बार आप तय करते हैं। और धीरे धीरे करके, सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए प्रत्येक दिन का रूटीन बनाइए, और प्रत्येक दिन का रूटीन बनाना आसान है, छोटा रूटीन बना के फिर उसको बड़ा कीजिए और उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी, यानी कि विदिन 10 डेज, आप देखेंगे कि आपके सिलेबस फास्ट कवर होने लगे हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल कम होने से डर लगता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और स्टूडेंट अपनी ताकतों पर ही भरोसा नहीं कर पाता है। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए इस समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और स्टूडेंट को जम के बोर्ड एग्जामिनेशन की ओर कंसंट्रेट करके तैयारी करनी है। तो है ना काम की बात, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बाय फॉर नाउ।